अटेंशन, सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और जेई लाइफ की सारी नोटिफिकेशन पाएं। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज ही जेई एडवांस 2019 का एग्जाम खत्म हुआ है और आप सब लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड होंगे एग्जाम देने के बाद कि किस तरह का पेपर आया था, उसका एनालिसिस क्या होगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ वगैरह क्या होगी। तो इन सब चीजों पर हम लोग अभी बात करेंगे, ठीक है। उससे पहले ये चीज मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि आपका एग्जाम कैसा भी गया हो, चाहे अच्छा गया हो या बुरा गया हो, इससे अगर बुरा गया है, अच्छा गया तो अच्छी बात है, और अगर बुरा गया तो इसका ये मतलब नहीं कि आपकी लाइफ यहीं पे एंड हो गई और आईआईटी ही सब कुछ है। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जो आईआईटी में नहीं है और वो अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी इंडस्ट्री में बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। तो पेपर हम लोग एनालिसिस करेंगे, लेकिन अगर आपका एग्जाम अच्छा नहीं गया है तो जरा भी डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि दुनिया खत्म हो गया है और सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं हो सकता है। अगर आपको अच्छी एनआईटीज मिल रही है, अच्छी अलग कॉलेजेस वगैरह मिल रही है, तो ये भी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो पेपर एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूं कि इस बार का पैटर्न के बारे में। तो अगर हम लोग देखें तो 2018 के रिस्पेक्ट में पैटर्न में बस एक थोड़ा सा चेंज हुआ था, ज्यादा चेंज नहीं था। हर सेक्शन में आपके पास तीन तरह के क्वेश्चन थे, एक आपका सिंगल करेक्ट था जिसमें कि आपको प्लस 3 माइनस 1 था, निगेटिव मार्किंग थी यहाँ पे, ठीक है। और सिंगल करेक्ट आपके 4 क्वेश्चन थे, फिर आपके मल्टीपल करेक्ट थे, मल्टीपल करेक्ट में आपको प्लस 4 माइनस 1 था, और इसके 8 क्वेश्चन थे। हर पेपर में, पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, हर सेक्शन में इसके 8 क्वेश्चन थे। और यहां पे आपकी पार्शियल मार्किंग भी थी कि अगर आप 4 ऑप्शन सही हैं उसमें से अगर आप 2-3 को अगर मार्क कर रहे हैं तो आपको उतने नंबर भी मिलेंगे, ठीक है। और एक जो आपका था वो था आपका इंटीजर टाइप। इस इंटीजर टाइप में आपके पास हमेशा की तरह इस बार प्लस 3 और 0 था, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं थी, ठीक है। और यहां पे आपको 2 डेसिमल डिजिट तक लिखना था, इंटीजर का वैल्यू 2 डेसिमल डिजिट तक आपको रखना था। ये था आपका पेपर 1 का। पेपर 2 में हमारे पास थोड़ा सा चेंज हुआ था, थोड़ा सा चेंज ये था कि इस बार एक नया टाइप का पैटर्न दिया गया था, पैराग्राफ और मैट्रिक्स मैच को मिला करके, ठीक है। तो पेपर 2 में भी आपका ऑलमोस्ट सेम था, आपकी मैट्रिक्स मैच बोल लीजिए प्लस पैराग्राफ मिला हुआ क्वेश्चन था, जिसमें कि आपकी फिर से 4 क्वेश्चन थी, प्लस 3 माइनस 1, फिर मल्टीपल करेक्ट थी आपकी 8 और इंटीजर टाइप, ये दो, ये सारी चीजें आपकी सेम थी। तो अब पेपर एनालिसिस का अगर हम लोग बात करें तो फिजिक्स का जो पेपर था वो आपकी ऑलमोस्ट मॉडरेट लेवल में हम लोग बोल सकते हैं इसको। फिजिक्स में आपका सिंगल करेक्ट जो था वो आसान था पेपर 1 में, और पेपर 2 में आपका मल्टीपल करेक्ट जो क्वेश्चन था वो काफी ज्यादा टफ था। तो अगर हम लोग फिजिक्स की बात करें, तो पेपर 1 में आपका मल्टीपल करेक्ट जो था वो काफी टफ था, और बाकी जो दोनों था वो आपकी इजी थी। पेपर 1 की बात करें, और पेपर 2 की अगर बात करें तो आपका जो इंटीजर टाइप था वो थोड़ा सा टफ था। तो ओवरऑल अगर फिजिक्स की बात करें तो ये मॉडरेट लेवल का फिजिक्स था हमारे पास, ठीक है। जनरली जो जेई एडवांस का पैटर्न होता है, जो जेई एडवांस का लेवल होता है, उसी लेवल पे हमारे क्वेश्चंस थे यहाँ पे आपके पास। बस मल्टीपल करेक्ट थोड़ा टफ था पेपर 1 में, और पेपर 2 में इंटीजर टाइप थोड़ा टफ था। तो ओवरऑल जो फिजिक्स का पेपर था वो मॉडरेट था, ठीक है। मतलब इस तरह का पेपर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जेई एडवांस में। केमिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो केमिस्ट्री की सारी ही आपकी क्वेश्चन जो है, केमिस्ट्री का हमारे पास जितना सारा क्वेश्चन था वो सारे क्वेश्चन काफी इजी थे, बच्चों ने काफी ज्यादा सॉल्व किया और काफी अच्छा नंबर स्कोर किया है केमिस्ट्री में। जितने भी लड़कों से मैंने बात की है, केमिस्ट्री सबका कहना है कि काफी ज्यादा आसान था। पेपर तो अभी हमारे पास नहीं आया है, लेकिन केमिस्ट्री वेरी इजी, और इससे इजी पेपर केमिस्ट्री में शायद ही जेई एडवांस में हम एक्सपेक्ट भी करना मतलब बेईमानी होगी। एक या दो क्वेश्चन था जो थोड़ा सा ट्रिकी था डेप्थ ऑफ कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए आपकी, ठीक है। और इस बार का जो सबसे टफ पार्ट, जो भी हमारे बातें हुई हैं उनमें जो निकल के सामने आया वो है मैथ्स। मैथ्स में सबका कहना था कि पेपर चाहे वो आपका सेक्शन 1 हो, चाहे वो आपकी सेक्शन 2 हो या आपकी सेक्शन 3 हो, तीनों ही काफी टफ थे। टफ इन द सेंस की लेंदी थे, मैथ्स काफी ज्यादा लेंदी था। तो जिन लोगों का मैथ्स काफी स्ट्रांग होगा वो इस पेपर को
मॉडरेट मान सकते हैं, और अगर मैथ्स आसान नहीं है आपके लिए, ये मैथ आपको टफ लगता है, ठीक है, तो इस पेपर में आपका मार्क्स थोड़ा सा कम हो सकता है, ठीक है। तो बात यहाँ पे ये थी कि अगर आपने केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ इस ऑर्डर में सॉल्व किया होगा तो आप केमिस्ट्री और फिजिक्स में अच्छे नंबर लाएंगे, और मैथ वैसे भी लेंदी था, तो बहुत सारे लोगों ने मैथ्स का पेपर ऐसे भी बहुत अच्छा नहीं किया है, तो अगर आप मैथ्स को सबसे एंड में किए होंगे तो आपका मार्क्स ओके होगा। लेकिन अगर आपने मैथ्स से स्टार्ट किया होगा और मैथ्स आपकी उतनी स्ट्रांग नहीं होगी तो फिर आप मुश्किल में हो सकता है आपका मार्क्स कम हो, क्योंकि मैथ आपका बहुत ज्यादा टाइम ले लिया होगा। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं कि इस बार के कट ऑफ की, तो अगर मैं 2018 से कंपेयर करूं, तो 2018 से अगर मैं कंपेयर करूं तो ये जो 2019 वाला आपका पेपर है थोड़ा सा टफ तो आपका जरूर था, ठीक है, मैथ्स की वजह से बोल सकते हैं थोड़ा सा टफ बिल्कुल था, ठीक है। तो अगर 2018 की कट ऑफ की बात करें हम लोग, तो जनरल में कट ऑफ आपकी 90 थी, और ओबीसी में आपकी कट ऑफ थी 81, और एससी एसटी में आपकी कट ऑफ थी 45, ठीक है, ये आपकी 2018 की कट ऑफ थी। लेकिन एक चीज यहां पे ये भी थी कि 2018 में जो आपका टोटल मार्क्स था वो 360 मार्क्स का पेपर था, और ये 2019 में आपका पेपर जो है वो है 372 मार्क्स का। तो ये जो पेपर है आपका 12 मार्क्स का ज्यादा है, ठीक है, लेकिन इसकी डिफिकल्टी लेवल थोड़ी सी ज्यादा है, थोड़ी सी ज्यादा है मैथ की वजह से। तो अगर हम इस बार की बात करें तो इस बार का आपका कट ऑफ एक्सपेक्टेड मेरे हिसाब से आपको 25 से 27% के बीच में आएगा, तो अगर हम जनरल की बात करें तो आप मान सकते हैं 90 से 100 के बीच का कट ऑफ होगा। ओबीसी की बात करें तो 80 to 90 का कट ऑफ होगा, और एससी एसटी की बात करें तो 50 प्लस का कट ऑफ होगा, क्योंकि केमिस्ट्री और केमिस्ट्री आपकी काफी आसान थी तो उसमें ये चीज कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ा देगी एससी एसटी में। तो ये इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरे हिसाब से जाएगा। तो अगर आपको इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप एकदम आराम से बैठ सकते हैं। अगर आपका 90 to 100 या 100 प्लस अगर आपका है, ये मैं एक्सट्रीम केस में बोल रहा हूं, अगर आपका 100 प्लस है तो आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, आपका सिलेक्शन होएगा। और अगर आपका 100 से नीचे है तो यू शुड कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड, और आप भगवान से ऊपर वाले से प्रे करें कि कट ऑफ इस बार का थोड़ा नीचे चला जाए, ठीक है, ताकि आपका हो जाए। और अगर आपका इतना मार्क्स नहीं है तो भी आपको डिप्रेस होने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि दुनिया खत्म हो गया है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं अभी लाइफ में करने के लिए, ठीक है। और अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो एक अटेम्प्ट आपके पास ऐसे भी ज्यादा है, ठीक है। तो ये था इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ।